हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये बात तो जानते ही होंगे कि अब कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 14 अप्रैल तक था, अब इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है, यानी कि 3 मई तक पूरा मुल्क बंद रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, सिनेमा थिएटर्स भी बंद रहेंगे। और इस सब को लेकर जो सिने वर्कर्स हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनको सारे का सारा पैसा मिलता था मूवीज़ में काम करने को लेकर, क्योंकि वो जब भी मूवी की शूटिंग होती थी तो उस क्रू का हिस्सा रहते थे, एक्स्ट्रास रहते थे। तो इस सब को लेकर उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सब को लेकर बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं, वो सब के सब सिने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। इसी तरह आज के दिन पर शाहरुख खान ने एक बार फिर से बड़ी अनाउंसमेंट करके और किट्स प्रोवाइड करके सभी के दिल जीत लिए हैं। तो इससे पहले भी उन्होंने कितने करोड़ दिए थे PMCM रिलीफ फंड में, और अब उन्होंने कितनी किट्स दी हैं, चलिए इसी को लेकर बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, और अगर आप भी रोमांस खान, किंग खान, शाहरुख खान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस को देखते हुए पीएम की तरफ से अनाउंस किया गया है कि अब ये लॉकडाउन जो 2 शुरू हुआ है ये 3 मई तक रहेगा, ताकि हालात को ठीक कर लिया जाए और कोरोना वायरस से लड़ा जाए। आपको बताते चलें कि लॉकडाउन की सूरत हाल में जहां पर सभी पर मुश्किलात हैं, गरीब लोगों पर भी, वहीं पर शाहरुख खान ने आज के दिन पर प्रोवाइड की हैं 25,000 PPE किट्स महाराष्ट्र को, ताकि कोरोना को भगाने के लिए साथ दिया जाए गवर्नमेंट का, ताकि जल्द से जल्द हालात ठीक हो जाएं। इससे पहले भी उन्होंने लगभग 50 करोड़ का दान दिया था, जिसमें उन्होंने 7 फाउंडेशन को पैसे दिए थे, जो कि उनके बड़े दिल होने का सबूत था। तो इसी तरह अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, कपिल शर्मा, अल्लू अर्जुन और रॉकिंग स्टार यश, ये सभी स्टार्स भी दे चुके हैं दान। किसी ने थोड़ा दिया है तो किसी ने ज्यादा, लेकिन दिया है यही मायने रखता है, यही अहमियत रखता है, यही इम्पोर्टेंस रखता है। तो आपका क्या है कहना शाहरुख खान के इस कदम को लेकर, और क्या बाकी स्टार्स को भी सामने आना चाहिए? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें, और ऐसी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मूवी कॉर्नर लाता है हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश सभी मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर दिन के आगाज से। सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।